हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सस्मिता, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का इंग्लिश चैप्टर 9, दैट इज डेजर्ट एनिमल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमने पढ़ा स्नैक्स के बारे में और अभी आगे हम बढ़ने वाले हैं मंगूज की तरफ। डेजर्ट में मंगूज भी देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं वहाँ पर वो कैसे अडॉप्ट करते हैं अपने आप को। मंगूज इज लाइक टू हंट टूगेदर। मंगूज क्या करते हैं, एक साथ में ग्रुप में हंट करने को पसंद करते हैं। बट दे ऑलवेज कीप ए लुकआउट फॉर डेंजरस प्रेडेटर नियर बाय। लेकिन अपने चारों तरफ उनकी नज़र रहती है, हाँ कोई प्रेडेटर आके अटैक ना कर दे। पोकिंग देयर नोज इनटू द होल्स, ओवर टर्निंग रॉक्स विद देयर पास एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद द शार्प क्लॉस, बैंडेड मंगूजेस आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच। बैंडेड मंगूजेस मतलब मंगूज जिनके बॉडी के ऊपर, बैक के ऊपर लाइन्स होते हैं, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, दीज आर द बैंडेड मंगूजेस। बैंडेड मंगूजेस देखने में बहुत अम्यूजिंग होते हैं। अम्यूजिंग मतलब बहुत अच्छा फील होता है उनको देखने में। बैंडेड मंगूजेस करते क्या है, पोकिंग देयर नोजेस इनटू द होल्स मतलब अपना नाक होल्स के अंदर घुसाते हुए, ओवर टर्निंग रॉक्स विद देयर पास छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं उनको उल्टाते रहते हैं, एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ शार्प क्लॉस, और ग्राउंड जो है उसको स्क्रैच करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर शार्प क्लॉस। ये सब करते हुए जब आप बैंडेड मंगूज को देखते हो बहुत प्यारे लगते हैं। ए कॉमन साइट इन मेनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, दे ट्रेवल इन ग्रुप्स ऑफ अबाउट 20 टू फॉरेस्ट फॉर बीटल्स, मिलीपेड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स। अफ्रीका में आपको ज़्यादातर ये बैंडेड मंगूज देखने को मिल जाएंगे। ये ज़्यादातर क्या करते हैं, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, एक ग्रुप में निकलते हैं जब वो हंटिंग करते हैं, जब वो फॉरेस्ट के लिए निकलते हैं। फॉरेस्ट मतलब इन सर्च ऑफ फूड। जब फूड के लिए वो निकलते हैं, वो एक ग्रुप में निकलते हैं और खाते क्या हैं, उनका फूड है क्या, छोटे छोटे कीड़े जिसको हम बीटल्स बोलते हैं, और जितने मिलीपेड्स हैं, मिलीपेड्स मतलब छोटे छोटे कीड़े होते हैं, आपने भी देखा होगा उनके बहुत छोटे छोटे बहुत सारे लेग्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम मिलीपेड्स। ये सब बीटल्स, मिलीपेड्स और भी बहुत सारे कीड़े होते हैं जो कि उनका खाना होता है। दे लाइक टू हंट टूगेदर, कीपिंग इन टच व्हेनेवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड द रॉक्स और बुशेस बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग। सो जब भी वो एक दूसरे से दूर रहते हैं, जैसे कि एक मंगूज दूसरे मंगूज को देख नहीं पा रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी एक लैंग्वेज होती है जिनको बोला जाता है ट्विटरिंग। सो ट्विटरिंग एंड कॉलिंग के थ्रू वो एक दूसरे के टच में रहते हैं। ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर डेंजर, हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नैक्स। उनके लिए डेंजर कौन है, हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नैक्स, ये सब उनके लिए डेंजर है क्योंकि ये ज़्यादातर मंगूज के ऊपर अटैक करते हैं। दे वार्न वन अनदर, जब भी उनको लगता है कि हाँ दिस इज द डेंजर सिचुएशन, देन वो क्या करते हैं, एक दूसरे को वार्न करते हैं। कैसे, विद ए स्पेशल अलार्म कॉल इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस। मंगूज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नैक्स। हम सीरियल्स में भी देखते हैं, मूवीज में भी देखते हैं कि मंगूज और स्नैक्स इन दोनों में दुश्मनी होती है। दीज आर एनिमीज, नेवला और सांप ये दोनों तो दुश्मनी है, बहुत सारे सीरियल्स में हम देखते हैं ऐसे। दे किल स्नैक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स, अपने आप को नुकसान पहुंचाए बिना वो स्नैक्स को मार देते हैं। दे रिएक्शन आर सो फास्ट, उनका जो रिएक्शन है वो बहुत फास्ट होता है, बिकॉज दे आर वेरी एक्टिव एंड दे कैन डॉड्स ईच टाइम द स्नैक स्ट्राइक्स। जब भी स्नैक उनको स्ट्राइक करता है वो फटाफट से स्नैक को डॉड्स करते हैं। डॉड्स करना मतलब अवॉइड करना, स्नैक इस तरफ से आया अटैक करने तो मंगूज भागा उस तरफ, ऐसे बार बार इधर उधर कर करके लास्ट में वो क्या करता है, स्नैक को थका देता है। दे कंटिन्यूअली मेक ए न्यूसेंस ऑफ देमसेल्व्स, न्यूसेंस मतलब अनॉइंग, सो बार बार ऐसा कर करके वो स्नैक्स को अनॉय कर देते हैं। अंटिल आफ्टर वाइल द स्नैक गेट्स टायर्ड, जब स्नैक टायर्ड हो जाता है अटैक कर करके स्नैक टायर्ड हो जाता है, देन दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल, उसके बाद वो जंप करके स्नैक को मार देते हैं। स्नैक जब अटैक करता है उसको अवॉइड करके वो बच जाते हैं, बार बार इधर उधर करके स्नैक को वो भड़काते हैं, अनॉय करते हैं, फिर स्नैक लास्ट में थक जाता है, फिर मंगूस उनके ऊपर अटैक करता है और उसको मार देता है। ये डाइव मीन्स जंप करके जो अटैक करता है, इसीलिए ये डाइव वर्ड वहाँ पे यूज़ किया गया है। ऑल फीमेल मंगूजेस हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम, सारे फीमेल मंगूजेस के किटन जो होते हैं सेम टाइम में पैदा होते हैं, एक साथ में बहुत सारे बच्चों को वो पैदा करते हैं और उनके बच्चों को भी किटन ही बोला जाता है। जैसे कैट के बच्चों को आप बोलते हो किटन, वैसे ही मंगूज के बच्चों को भी किटन ही बोला जाता है। दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डेन, और जो किटन होते हैं उनका देखभाल खाली पेरेंट मंगूज नहीं करते, पूरा जो ग्रुप होता है मंगूज का उस सब मिलके वो किटन्स की देखभाल करते हैं, और वो सब रहते कहाँ हैं, इनसाइड अ डेन। दैट डेन इज मेड अप ऑफ अ टर्माइट माउंड। टर्माइट माउंड मीन्स, साइड में आप देख सकते हो मिट्टी का एक ढेर होता है
जिसके अंदर छोटे छोटे टर्माइट्स रहते हैं, और विद इन ए होलो लॉग। व्हेन मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स आर आउट लुकिंग फॉर फूड, जब ज्यादातर एडल्ट मंगूज खाने के सर्च में बाहर जाते हैं दिन में, तब वन और टू मेल्स स्टे बिहाइंड, एक या दो मेल मंगूज वहां पे रुक जाते हैं। क्यों? दे गार्ड द किटन्स अंटिल द अदर्स रिटर्न फॉर द नाइट। जब तक जितने भी मंगूज जो खाना सर्च के लिए गए हैं वो आ नहीं जाते तब तक वो गार्ड करता है। अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज द कैमल। अब तक हमने पढ़ा स्नैक्स एंड मंगूज के बारे में, जो कि डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स थे। अब पढ़ेंगे हम कैमल्स के बारे में। सबको पता है कैमल्स डेजर्ट में रहता है, तो कैमल्स के बारे में कुछ और चीज हम यहाँ पे जानेंगे। कैमल्स वेर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मेनी थाउजेंड ईयर एगो पीपल डोमेस्टिकेटेड कैमल। और एक ग्रुप में वो कितने कैमल्स रहते थे? अबाउट 30। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स। कैमल्स हैव लॉन्ग सेगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म। सर्दी के मौसम में अपने बॉडी को वार्म रखने के लिए उनके पास लॉन्ग सेगी विंटर कोट्स होते थे, एंड शॉर्टर टाइडियर कोट्स इन द समर टू कीप कूल। समर सीजन में बॉडी को ठंडा रखने के लिए उनकी जो कोट्स होते थे वो टाइडियर हो जाते थे, शॉर्ट हो जाते थे। ए थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर। अगर कैमल प्यासा है, थर्स्टी है, एक साथ में 30 गैलन्स ऑफ वाटर वो पी सकता है, विच इज नियर अबाउट 500 फुल ग्लासेस, जो कि 500 फुल ग्लास के बराबर है, इन जस्ट 10 मिनट्स, और 10 मिनट में ही पी लेता है वो। नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम द डेजर्ट प्लांट्स। कैमल्स को मॉइस्चर कहाँ से मिलता है? डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उसी को खा के उनका मॉइस्चर कॉन्टेंट पूरा हो जाता है। एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 मंथ्स, और वो 10 मंथ्स तक बिना पानी पिए रह सकते हैं, विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। द टू डिफरेंट काइंड ऑफ कैमल, दो टाइप के कैमल होते हैं, वन नोन इज ड्रोमेटरी एंड द अदर इज बैक्ट्रियन। ड्रोमेटरी हैज ओनली सिंगल हम्प। ड्रोमेटरी का जो क्या है, सिंगल हम्प होता है, एक ही हम्प होता है। एंड बैक्टेरियन कैमल के दे हैव टू हम्प्स, उनके पास दो हम्प्स होते हैं। द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। ये जो हम्प्स होते हैं कैमल्स की बॉडी में, उनका इम्पोर्टेंस क्या है? दे हेल्प द कैमल टू अडेप्ट इन द डेजर्ट। कैसे? बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स। वो स्टोरेज कंटेनर के जैसा काम करते हैं। बट दे डू नॉट स्टोर वाटर, वो पानी स्टोर नहीं करते, एज मेनी पीपल रॉन्गली बिलीव, जैसे कि सारे लोग सोचते हैं। दे आर फुल ऑफ फैट, वो फैट से भरे हुए होते हैं। दिस फैट नॉरिशेस द कैमल्स व्हेन फूड इज स्केर्स। जब फूड की कमी होती है वहां से कैमल फूड कलेक्ट करता है। इफ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज देयर हम श्रिंक एज द फैट इज यूज्ड अप। जब बहुत लंबे टाइम तक कैमल को खाना नहीं मिलता, वो हम्प से खाना कलेक्ट करता है, तो उसका जो हम्प है वो धीरे 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 श्रिंक होने लगता है, छोटा होने लगता है। There are many other ways in which camels are adapted to desert life. बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे ना कैमल डेजर्ट में अपने आप को अडेप्ट करते हैं। Their mouths are so tough. उनके माउथ जो होते हैं बहुत टफ होते हैं, ताकि वो जब भी डेजर्ट में मिलते हैं जो प्लांट्स उसको खाते हैं तो उनके माउथ में वो कांटा चुभता नहीं है। That even the sharp thorn cannot pierce through. Sharp thorn जो होते हैं उनके माउथ के अंदर पियर्स नहीं कर सकते, उनकी माउथ इतनी टफ होती है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने देखा कि डेजर्ट एनिमल्स, किन किन डेजर्ट एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा? स्नैक्स, मंगूस एंड कैमल्स। ये जो एनिमल्स होते हैं डेजर्ट में अपने आप को कैसे अडप्ट करते हैं, और डेजर्ट में कौन कौन सी सिचुएशंस ऐसी होती है जो बहुत मुश्किल होती है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गई हो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।